नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेदसंसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मासिक शिवरात्रि व्रत विधि कथा और महत्व के बारे में। सावन शिवरात्रि को महापुण्यदायिनी माना जाता है। बता दें कि सावन महीने के अर्थ माह में ही सावन शिवरात्रि का पर्व आता है, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हालांकि प्राचीन परंपराओं की बात करें तो शिवरात्रि के खास दिन शिवलिंग की पूजा करने का विधान है। वहीं हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि व्रत करने का विधान जो है वह पुरातन काल से ही चला आ रहा है। ऐसे में माना जाता है कि व्रत को देवी लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती और रति ने भी किया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत का महत्व। यूं तो सावन के महीने में मासिक शिवरात्रि व्रत की महिमा बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि यह भगवान शिव के सर्वप्रिय दिनों में से एक होते हैं। बता दें कि इस दिन ये गए भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा से उनकी कृपा का पात्र आज आप सहज ही बन जा सकते हैं। बता दें कि भगवान शिव को खुश करने के लिए व्रत करने का शास्त्र अनुसार विधान भी है। कहते हैं जो भी कन्याएं अपनी इच्छा अनुसार पति पाना चाहती है अथवा जिनके विवाह आदि में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही है, तो उनके लिए यह मासिक शिवरात्रि दिन कल्पतरु के समान होता है। ध्यान रहे कि शिव पुराण के अनुसार जिस कामना से कोई भी एक दिन व्रत करता है उसकी वह कामना जरूर पूरी होती है। दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मासिक शिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाए। दोस्तों, आप अपने पास के मंदिर में जाकर भगवान शिव परिवार की धूप, दीप, नवेद, फल और फूलों आदि से पूजा करें और फिर उसके बाद सारा दिन उपवास करें। याद से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उनका दूध से अभिषेक भी करें। शाम के समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं। वहीं अगले दिन भगवान शिव के पूजा के बाद दान आदि कर अपने व्रत का पारण करें। इस बात का ध्यान रखें कि अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके ही उसका विधिवत तरीके से उद्यापन किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि जो कोई भी सच्चे भाव एवं नियम से भगवान शिव की पूजा व उनका पाठ करेगा उसे अवश्य मनवांछित फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम आपको आगे बताएंगे कि मासिक शिवरात्रि के दिन कौन से काम हमें करने चाहिए। दिन में सबसे पहले हम बताएंगे भगवान शिव को जरूर से बेलपत्र से पूजा करने से आपको व आपके परिवार को श्रेष्ठ एवं शुभ लाभदायक प्राप्त होगा और साथ ही आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। उसके बाद बता दें कि सफेद वस्तुओं के दान की अधिक महिमा होती है, इससे भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। दरअसल धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी लिंग रूप में जन्म लिए थे और सबसे पहले भगवान शिव जी के लिंग रूप को भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने पूजा था। वहीं पौराणिक परंपराओं की माने तो लोग शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा बड़ी श्रद्धा से करते हैं और अगर बात हिंदू पुराणों की करें तो शिवरात्रि व्रत प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती तथा रति ने भी इस मासिक शिवरात्रि का व्रत सच्चे मन से रखा था। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं और विधिवत से उनका पूजा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी होती है। तो उम्मीद करते हैं आप भी मासिक शिवरात्रि में उनका व्रत और उनकी पूजा विधिवत तरीके से और सच्चे मन से करके अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। और दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रहस्यमय और रोमांचक वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए वेद संसार के साथ। धन्यवाद।